नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुनील कुमार, इसके इलेक्ट्रिकल चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम इस वीडियो में आपको बताने जा रहे हैं क्रेडल के बारे में। कंस्ट्रक्शन साइड पर जो आउटर साइड का या अंदर साफ्ट की साइड का काम कुछ करने के लिए हमें क्रेडल की जरूरत पड़ती है। क्रेडल का स्पेस हम बढ़ा घटा सकते हैं क्योंकि हम उसको छोटे में भी यूज कर सकते हैं, बड़े में भी यूज कर सकते हैं, वो अलग अलग पार्ट में आता है। तो इसी के बारे में हम बताने की कोशिश करेंगे कि क्रेडल को कैसे फिट किया जाता है और कैसे उससे वर्क किया जाता है। तो आओ शुरू करते हैं दोस्तों। ये हमारी साइड पे जो क्रेडल आया है वो इस तरह से अलग अलग पार्ट में आता है। ये सब ये स्पार्टन कंपनी का क्रेडल है जो हम अपनी जरूरत के हिसाब से इसको इंस्टॉल करते हैं। जितनी बड़े स्पेस में हमें काम करना होता है उसी हिसाब से हम इसको इंस्टॉल करते हैं, क्योंकि ये 1 मीटर, 1.5 मीटर, 2.5 मीटर और उसी के हिसाब से हम इसको ज़्यादा कर सकते हैं, 5 मीटर, 7.5 मीटर। तो 7.5 मीटर तक का हमारे पास में ऑप्शन रहता है इसमें, उसके बीच में हम इसको कितना भी बड़ा घटा सकते हैं, जैसा जहाँ पे स्पेस हो वैसा इसे यूज कर लिया जाता है। तो इस तरह से सारा सामान इसका आ गया है। हम अभी दिखाने की कोशिश करेंगे कि ये किस तरह से फिट किया जाए। इसकी ये बॉटम ट्रे है और ये सब सामान इसका है। ये पैनल है जो इसमें लगता है और इसमें सारे कनेक्टर दिए हुए हैं। बड़ा ईजी है इसको इंस्टॉल करना भी, कोई इसमें बड़ी बात नहीं है। और ये इसके काउंटर वेट हैं जो 25 केजी का एक काउंटर वेट है इसका और ये 40 है टोटल। और ये इस पर मोटर की प्लेट लगी हुई है, ये 1.8 केवी का किलोवाट का ये मोटर है और इसमें दो मोटर लगे रहते हैं साइड में, लेफ्ट राइट में। और इसमें ये रोप का भी दिया हुआ है कि 9.1 mm की रोप है और इस तरह से ये फिट किया जाता है। अब इसमें ये फिट करने में हमें इसे आसानी ही रहती है, इसमें इतना एडजस्ट करने के लिए दे रखा है कि हम अपनी ज़रूरत के हिसाब से इसे कैसे भी बढ़ा घटा कर एडजस्ट करके लगा सकते हैं। तो इसमें बहुत ऑप्शन रहते हैं। तो इस तरह से ये देख लो काउंटर वेट ऐसे इसमें फिट हो गए। और ये जो रोप रखी हुई है हमें जो दिखाई दे रही है यही मेन रोप है इसकी, इसी में ये झूला लटका रहता है, ये क्रेडल इसी से लटकता है, इसी से अप डाउन होता है। और यहाँ पे ये दो बोल्ट लगा के इसके स्टैंड में ऊपर का पार्ट ये लगा लिया जाता है और इसी तरह से दो दो बोल्ट लगते चले जाएंगे और इसमें पार्ट जुड़ते चले जाएंगे। यहाँ पे ये जॉइंट करके आगे की बूम चली जाएगी इससे। तो इस तरह से ये दूसरा पार्ट देखो बूम का यहाँ पे जोड़ दिया गया है और फिर एक और तीसरा पार्ट बूम का यहाँ पे जोड़ दिया गया है और चौथा फिर यहाँ पे ये, और इसी से ही ऊपर से इसकी वायर को टाइट किया जाता है जो इसकी बूम को टाइट रखने के लिए। इसमें कोई फास्टनर नहीं यूज किए जाते, ये सिंपल वैसे ही फिट हो जाता है। और इस तरह से ये कहीं भी साइड पर हम इसको रखें, और जो ये साइड में फ्रेम रखे हैं ये बीम में टाइट करने के लिए हैं, इनको भी हम आपको दिखाएंगे कि इनका यूज कैसे होता है। तो इस तरह से ये टेंशन वाली वायर देख लो पहले जो बूम को टाइट रखती है, तो इस तरह से इसमें क्लैंप लगा के यहाँ से इसको टाइट करके और फिर इसमें पीछे इसको क्लैंप कर दिया जाता है। तो इस तरह से ये बूम को टाइट रखती है यहाँ इस चिमटे से लेकर, और इसमें भी इसका एक लॉक टाइप रहता है जिसमें ये अच्छी तरह फंसी हुई रहती है रोप, और इस तरह से ये फिट किया जाता है। यहाँ पे इसका ये एडजस्टर लगाया जाता है, इससे हम इसको लूज या टाइट कर सकते हैं और इस तरह से इसको आसानी से घुमा के हम इसको थोड़ा लूज या थोड़ा टाइट कर सकते हैं। अब आगे का प्रोसेस हम देख लेते हैं कि वायर के बारे में हम इसके देख लेते हैं। ये इसकी मेन वायर है और ये दो रहती हैं एक साइड में, क्योंकि एक तो उसके सेफ्टी लॉक में जो फॉल जो ऊपर से अचानक से गिरने से बचाता है झूले को उसमें लटकी रहती है, और एक गियर से उसको अप डाउन करने के लिए रहती है। यहाँ से ये लॉक में फिट हो जाती है और यहाँ पर हम क्लैंप लगा देते हैं और इसके बाद में ये सीधी झूले पर चली जाती हैं दोनों रोप। और इसमें हमें एक स्पेसर लगाना होता है ताकि आपस में लिपटने से बच जाता है इससे रास्ता, इसलिए इसमें स्पेसर का इस्तेमाल किया जाता है। दोनों साइड हमें सेम ऐसे ही करना होता है, तो इसकी दोनों साइडों में हम बिल्कुल सेम ऐसे ही कर लेते हैं। इस तरह से चार बंडल ये रोप के इसमें चलते हैं, दो एक साइड में, दो एक साइड में। यहाँ पर भी ऐसे ही लॉक करके रस्से को, तब जाके इसको लगाया जाता है, और इसी तरह क्लैंप करके उसमें भी एक स्पेसर लगा के तब जाके इसको क्रेडल तक पहुंचाया जाता है। तो अभी हम इसको देख लेते हैं कि इसके आगे हम और इसमें क्या बता सकते हैं आपको।
तो इस तरह इसमें कोई फास्टनर लगाने की हमें ज़रूरत नहीं पड़ती है, बड़ा इजी फिट करना है इसको, कहीं पर भी ऐसे ही लगा देते हैं हम और इसमें कोई दिक्कत नहीं होती है, ये अपना वर्क अच्छी तरह से करता है। और बीम के बारे में भी हम इसमें बताएंगे कि बीम में कैसे फिट किया जाता है। यहाँ तो ये स्लैब पर हमने ऐसे ही रख दिया क्योंकि इसमें साइड में जो रखे हैं वो बीम में फंसाने के लिए है, तो उसको भी हम बताएंगे अभी कि बीम में ये कैसे फिट किया जाता है। बीम में फिट करना भी इसको बड़ा आसान है, तो ये ऐसे लॉक में फंसा हुआ दिखाई देता है रास्ता इसका। एडजस्ट करने के लिए इसमें बहुत सारे ऑप्शन हैं, बहुत सारे ऑप्शन दिए गए हैं, हम इसको कैसे भी एडजस्ट करके अपनी ज़रूरत के हिसाब से फिट कर सकते हैं। और हर पार्ट में इसके अच्छे ऑप्शन दिए गए हैं, इसीलिए ये इजी हो गया है बहुत और मल्टीपर्पज़ हो गया है कि अलग अलग जगहों पर ये इस्तेमाल किया जा सकेगा। अगर ये एक ही स्पेसिफिकेशन का होता तब शायद इतना यूज ना होता। तो इस तरह से अब और पार्ट के ऊपर भी हम नज़र मार लेते हैं, सेफ्टी लॉक में किस तरह से रोप आता है और किस तरह से ये इसका मेन प्लेटफॉर्म पर हम ध्यान दे लेते हैं कि ये जो साइड में लगे हुए फ्रेम हैं ये इसके बिल्कुल एकदम बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है, क्योंकि इसी से हम इसको छोटा या बड़ा कर सकते हैं। और बीच के पार्ट इसमें जो हमारे पास में है, जैसा ये इसमें बॉटम ट्रे भी अलग से लगाई हुई है, तो हमारे पास में ढाई मीटर के दो पार्ट और फिर 1 मीटर का और 1.5 मीटर का पार्ट है, तो इस तरह से 7.5 मीटर टोटल लेंथ है। और इसमें व्हील भी लगाए जाते हैं ये, जिससे कि ये जो बीच में जो गैप रहता है उसमें झूला इधर उधर ज़्यादा ना हिले या फिर कांच में झूला डायरेक्ट ना टच हो, तो उस तरह से ये स्पेस को मेनटेन करने के लिए ये व्हील लगा दिए जाते हैं। इसमें दो व्हील लगाए जाते हैं जिससे कि आसानी से झूला अप डाउन चलता रहे। और ये इसका गियर बॉक्स है, मोटर इसमें दो लगे रहते हैं 1.8 किलोवाट के। और रोप में भी हम देखेंगे कि किस तरह से कौन सा रोप कहाँ पे जाता है, दो दो रोप इसमें एक साइड में लटके रहते हैं। पहले एक बार इस पर नज़र मार लेते हैं पूरे पे। 40 mm की ट्यूब हमने बताई है, मोटे वाली है इसमें लगी हुई है जो, और 25 mm की पतले वाली। ये इसका पैनल है और ये मंकी क्रेन वाला ही रिमोट इसमें दिया गया है, सिर्फ इसमें दो ही बटन रहते हैं अप और डाउन का। ये ब्रांडिंग है स्पार्टन की। आगे हम इस पर नज़र मार लेते हैं कि इसमें आगे क्या है। तो यहाँ पे ये अब इसकी पहले प्लेट पर हम ध्यान दे लेते हैं। प्लेट में इसमें इसका मॉडल नंबर, इसकी कैपेसिटी और इसकी स्पीड, ये सब इसमें प्लेट पर लिखी रहती है। सेफ्टी लॉक के बारे में हमने आपको बताया कि सेफ्टी लॉक है जो इसको अचानक से गिरने से लॉक कर देता है रस्से को। और ये इस तरह से एक इसमें ये वेट लटका हुआ रहता है जिससे कि रोप नीचे चलता रहे। और दूसरा जो रोप है वो दूसरा रोप गियर बॉक्स में जाता है, इसी से ही ये झूला अप डाउन रहता है। मोटर गियर को घुमा के इसी रोप के सारे झूले को अप डाउन करता है। ये इसका एक एंड है रोप का। और आगे हम बढ़ते हैं, बीम के बारे में हमने कहा था, तो बीम के बारे में भी हम आपको बता देते हैं। बीम पर चलते हैं, बीम में किस तरह से फिट किया जाता है। बीम में फिट करना भी इसको बड़ा आसान है, किसी भी साइज के बीम में इसका एडजस्टर फिट हो जाता है। इसमें भी कोई फास्टनर हमें लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो ये मेन रोप हम यहाँ से घुमा के डाल देते हैं फिर इसमें, और ये इसमें इतने होल रहते हैं कि किसी भी साइज के बीम में इसका एडजस्टर ये लग जाता है। इस तरह से ये इसको फिट किया जाता है। और दो फ्रेम हम इसमें बीम में फिट करेंगे और फिर उस पर झूले को लटका देंगे और उसी के सारे झूले को अप डाउन हम कर सकते हैं। तो ये इसका बीम में फिट करने का जुगाड़ है। तो अभी देखो ये इसमें झूला लटका हुआ भी है, दूसरा फ्रेम वहाँ पे वो लगा हुआ है। इसमें भी ना कोई हमें सरिया टाइट करने की ज़रूरत पड़ती है ना रस्सी बांधने की, इसमें सब चीज़ इसमें इसके साथ दी हुई है। सिर्फ आपको बीम पर रख कर उसके साइज के हिसाब से इसको एडजस्ट कर देना है और ये झूला लग के तैयार। ये क्रेडल अलग अलग जगहों पर यूज़ हो सकता है, अंदर शाफ्ट में भी हो सकता है और आउटर साइड का काम भी कर सकता है, और इसका साइज भी बढ़ाया घटाया जा सकता है। तो इस तरह से ये बहुत यूज़फुल हो जाता है। और हमने आपको बताया कि दोनों साइड में इसके सेम पार्ट मिलते हैं, सेफ्टी लॉक भी दोनों साइड में मिलेगा, फ्रेम दोनों साइड में मिलेगा, मोटर गियर दोनों साइड में मिलेगा, क्योंकि लेफ्ट और राइट में बिल्कुल सेम चीज़ें लगाई हुई है इसमें। मोटर गियर और सेफ्टी लॉक ये सेम चीज़ें हैं बिल्कुल, जो दोनों साइड में आपको दिखाई दे जाएंगी। तो इस तरह से ये दोनों तरफ सेम प्रोग्राम रहता है और दोनों मोटर एक साथ वर्क करती है इसका, इसको अप डाउन करने के लिए दोनों मोटर एक साथ रन करती है। और इसमें हम ये ध्यान दे लेते हैं कि देखो, अगर इसमें हम ये सोचे कि जैसा ये गियर बॉक्स में जो एक रोप जाती है उसके सारे ही अप डाउन होता है और गियर बॉक्स सिर्फ 2 वोल्ट पर टाइट है,
तो ऐसा नहीं है, इसमें सिर्फ ये दो बोल्ट ही नहीं है, इसके अलावा भी इसकी सेफ्टी अलग से दी हुई है। इसमें एक पत्ती नीचे से इस पिन में फंसाई हुई है और यहाँ पे ये एक मोटी पत्ती इसमें वेल्ड है और फिर ऊपर इसमें ये यहाँ पे पिन से फंसी हुई है। सेफ्टी इसमें अच्छी दी हुई है। तो दोस्तों पैनल के बारे में भी हम थोड़ा सा इसका दिखाना चाहेंगे आपको। तो अब पैनल के बारे में हम आपको बता देते हैं, थोड़ा पैनल की तरफ चलते हैं। पैनल में इसके इमरजेंसी स्टार्ट स्टॉप बटन इंडिकेटर ये सब दिए हुए हैं और अंदर पैनल में क्या चीज़ लगी हुई है ये भी देखने की कोशिश करेंगे। तो इस तरह से कुछ फ़ोटो हम आपको इसके दिखा देते हैं, अगर आपको इसमें से कुछ समझ में आ जाए तो हमारे लिए अच्छी बात होगी कि हमने कुछ आपको समझाने की कोशिश की है और आपकी कुछ समझ में आ गया तो ये हमारे लिए अच्छी बात होगी। और इसके ऑपरेटिंग कॉइल के बारे में भी हम बताएंगे कि इसमें जो चार कॉन्टेक्टर ये लगे हुए हैं ये 36 वोल्ट ऑपरेटिंग है। तो इसमें ये 36 वोल्ट की ऑपरेटिंग कॉइल है, 36 वोल्ट से ये चारों कॉन्टेक्टर ऑपरेट होते हैं। दो इसमें रिले लगी हुई है क्योंकि दो मोटर हैं तो दो ओवरलोड रिले लगी हुई है। तो चार कॉन्टेक्टर इसीलिए हैं कि एक मोटर में दो कॉन्टेक्टर यूज़ होंगे अप डाउन के लिए, तो दूसरे में भी दो यूज होंगे अप डाउन के लिए। इस तरह से ये इसमें चार कॉन्टेक्टर यूज होते हैं। और ये इसमें देख लो यहाँ पे 36 वोल्ट इसमें लिखा हुआ है, 36 वोल्ट इसमें ऑपरेटिंग कॉइल में जाती है इसके A1 A2 में। तो A1 A2 भी आप ध्यान रखें कि A1 A2 ही वो पोर्ट हैं जिसमें ऑपरेटिंग कॉइल के सप्लाई के कनेक्शन होते हैं। ये कनेक्टर हैं इसमें जो इजीली बाहर से फिट हो जाते हैं।